हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो हर घर में मिलती है, एविल ड्रग्स के बारे में, जिसका कंटेंट फिनिरामिन मिलेट है। तो आइए जानते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। फिनिरामिन मिलेट इज़ एन एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एलर्जिक सिम्टम्स सच एज ईचिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज एंड कंजेशंस। मीन्स फिनिरामिन मिलेट जो ड्रग्स होती हैं वो ईचिंग मतलब खुजली, स्नीजिंग मतलब छींक, रनी नोज अपने नाक से पानी आना एंड कंजेशन जो अपने को नेजल कंजेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यह मेडिकेशन दी जाती है। ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन। अब ये मेडिकेशन काम किस तरह से करती है। इट इज़ वर्क बाई ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, अ केमिकल रिलीज बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। मतलब एलर्जिक रिएक्शन के दौरान इम्यून सिस्टम से रिलीज होने वाले हिस्टामिन के एक्शंस को ब्लॉक करती हैं। इसी तरह से यह एंटी हिस्टामिन कहलाती है। इसके ब्रांड नेम एविल, फिनिरामिन एंड फेनक्योर नाम से यह मेडिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डोजेस की। तो यह IM और IV दोनों जगह यूज़ होते हैं। यह ऑरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो सिरप एंड टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो इसकी एडल्ट डोजेस 25 to 50 mg एवरी 4 to 6 आवर। इसकी मैक्सिमम डोजेस 100 mg पर डे के हिसाब से होती है। मतलब हर 4 से 6 घंटे में आप 25 degrees to 50 mg मेडिकेशन दे सकते हैं। इसकी चिल्ड्रन जो डोज होती हैं वो 12.5 से 25 mg एवरी 4 to 6 आवर। मतलब एवरी 4 to 6 आवर 12.5 से 25 mg तक ड्रग्स दे सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम डोजेस 75 mg होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की। तो अगर कोई फिनिरामिन मिलेट या एविल ड्रग्स रेगुलर यूज़ होते हैं तो उनमें ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ड्राउट, ड्राई माउथ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। पेशेंट को एविल नहीं दी जा सकती जो जिसको फिनिरामिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो, प्रेगनेंसी, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ब्रेस्ट फीडिंग, ग्लूकोमा, यूरिनरी रिटेंशन एंड थायराइड डिजीज जिसको है उसको एविल ड्रग्स नहीं दी जाती है। इसका स्टोरेज की बात करें तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है और सनलाइट से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एविल के डोजेस के बारे में। तो ये किन किन कंडीशन में एविल ड्रग्स जो हैं प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हाइव्स, ईचिंग या स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में यह मेडिकेशन देते हैं। हाई फीवर मीन्स एलर्जिक रिनाइटिस मीन्स नाक से बार बार पानी आना, ये सारी समस्याएं हैं तो मेडिकेशन देते हैं। अर्टिकारिया, अर्टिकारिया मीन्स बॉडी में कहीं पर खुजली आना, ये अगर प्रॉब्लम है तो एविल देते हैं। प्रूराइटिस मीन्स इचिंग, इंसोमनिया, स्लीप एड्स मीन्स अगर किसी पेशेंट को नींद नहीं आती है तो एविल ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। मोशन सिकनेस में या एंजाइटी जैसी अगर कोई कंडीशन है तो उसमें फिनिरामिन मिलेट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जैसे मधुमक्खी ने खाया हो या किसी भी तरह की बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है तो सबसे पहले एविल जो है वो IV या IM अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं और ये मेडिकेशन दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। मतलब ये ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर, जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं उन रिसेप्टर को यह ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स, जिसकी वजह से जो एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिड्यूस करती हैं। और ये एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं तो सीडेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सीडेट हो जाता है और सीडेट होने की वजह से जो भी एलर्जिक रिएक्शन है वो तुरंत ही कम हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग गाइज़।